प्रदेश में मौसम की अटखेलियां लगातार जारी हैं। बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। 14 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी है। अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। शीतलहर के साथ कोहरे छाए रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में 20 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। राजधानी जयपुर में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह के वक्त में 20 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही। रेंग रेंग कर वाहन चलने को मजबूर रहे। आज राजधानी जयपुर से लेकर राजस्थान में ठंड का सितम बहुत ज्यादा है। पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है राजधानी जयपुर में, तो न्यूनतम तापमान 5-6 डिग्री के लगभग राजधानी जयपुर में सुबह के वक्त में दर्ज किया गया है। शीत लहर चल रही है, कोहरा छाया हुआ है और इसी के साथ ही राजस्थान के कई जिलों में बारिश भी हुई है। तो प्रदेश में मौसम की अटखेलियां लगातार देखने को मिल रही हैं। हाड़ कपा देने वाली ये सर्दी है, बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। जब इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है तो जाहिर तौर पर मवेशियों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जिन लोगों के पास पक्के घर नहीं हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, ये तमाम वो ज़िले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अलग अलग जिलों में क्या है मौसम का मिजाज ये बताने के लिए। और जयपुर से गौरव जुड़े हैं, मगन हमारे साथ सिरोही से जुड़े हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। गौरव, राजधानी जयपुर में सुबह के वक्त में बहुत ज्यादा ठंड रही, 20 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी, कोहरा काफी ज्यादा था। अभी फिलहाल क्या है ताजा तस्वीर मौसम को लेकर? देखिए नंदिनी, फिलहाल जो सर्दी का सितम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसके साथ साथ ही पिछले 2 दिनों के अंदर जो राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर बारिश हुई है उससे जयपुर के अंदर भी काफी असर पड़ा है और ऐसे में आज और कल में जयपुर में भी बारिश होने की जो है संभावना लगातार बनी हुई है। इसी बीच जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, साथ ही जो ट्रैफिक है उसको भी आप देखेंगे कई जगह समस्या हो रही है। जितने भी हाईवे हैं, चाहे मैं बात करूं जयपुर से दिल्ली की वाया बैरोड, तो ट्रैफिक को रात में काफी समस्या आ रही है क्योंकि कोहरा काफी तेज है और बसों को लेकर के भी इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी ताकि कोहरे की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके अंदर एक्सीडेंट या फिर किसी दुर्घटना का कोई जो है समस्या ना है। लेकिन ऐसे में जो फ्लाइट्स है उनके डिले होने की भी लगातार जो है बात सामने आ रही थी क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो 30-50 मीटर रह गई है और ये विजिबिलिटी एरोप्लेन्स के लिए जो है काफी नेगेटिव गिनी जाती है, इसलिए वो नहीं उतर पा रहे हैं और आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर उनकी लैंडिंग करवाई जाती रही है। साथ साथ जो सर्दी है उसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ती नजर आ रही है। हम फिलहाल एक जगह यहाँ कुछ तस्वीरें आपको दिखा देंगे, जो युवा हैं सुबह सुबह अपने आप को सर्दी से बचाने के जो हर प्रकार के जतन है वो करते नजर आएंगे, कोई चाय तो कोई अलाव के पास खुद को तापता नजर आएगा। यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम जान लेते हैं कि सर्दी से वो किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अक्षय कुमार मीणा। कहाँ से है सर? सवाईमाधोपुर से हूँ मैं। सर, तो सर्दी से बचने के लिए किस तरह के जतन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं? अरे सर बहुत परेशान हो सर, सर्दी बहुत इतनी है कि टाइम से ना भी नहीं पाता, रोज गर्म पानी करना पड़ता है। तो कोचिंग वालों को छुट्टी दे देनी चाहिए क्योंकि यहाँ LN वाले स्टूडेंट हैं जो 15-16 साल के हैं, दस एक दिन छुट्टी दे देनी चाहिए क्योंकि अभी बीमारी चल रही है, कोई बुखार भी हो जाता है किसी बच्चे के, बच्चे बच्ची है, थोड़ा स्टूडेंट है, सब बाहर से रहते हैं भाई यहाँ पर, तो ठीक है 10-1 दिन छुट्टी देनी चाहिए उनको। देखिए नंदिनी, बच्चों का कहना है कि कुछ छुट्टियां जो है वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी देनी चाहिए। जिस तरीके से जो है राजस्थान सरकार ने बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी थी, ऐसे में परेशानियां या बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन जो पढ़ाई है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए बच्चे सुबह सुबह 5-7 बजे का यह समय होता है जब ठंड अपने पीक पर होती है, प्रचंड होती है, और उसी समय इन्हें अपनी पढ़ाई के लिए आना होता है। ऐसे में कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ठंड से किस तरीके से बचाव कर रहे हैं आप? सर 8-9 दिन तो नहाए हुए हो गए, बहुत तेज ठंड पड़ रही है अभी तो जयपुर में। तो सर सुबह की 6 बजे की कोचिंग है, कोचिंगों का टाइम 7 या 8 बजे से कर देना चाहिए, ठंड में आया भी नहीं जाता। और ट्रांसपोर्टेशन की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन से हम टाइम पे नहीं आ पाते हैं और जिसके कारण कोचिंग 1-2 पीरियड मिस हो रहे हैं।
देखिए नंदनी, नहाने में भी समस्या आ रही है। बिल्कुल गौरव, और सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर यह है कि विजिबिलिटी कम है, तो ऐसे में सड़कों पर रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। चलिए जोधपुर का रुख कर लेते हैं। सर्दी क्योंकि पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा है ग्रीष्म, और जोधपुर की अगर बात करें, कोहरा कैसा है वहां, क्या तस्वीर नजर आ रही है ठंड को लेकर, कितना टेम्परेचर, कितनी सर्दी आज जोधपुर में? जोधपुर की बात करें तो कल देर रात जोधपुर में 7 डिग्री तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, और अगर कल दिन की बात करें तो अधिकतम 22 डिग्री तापमान जो दर्ज किया गया। और रही बात जो सर्दी की, जो सर्दी का जो सितम है जोधपुर में अभी भी लगातार जो देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि जोधपुर के मेहरानगढ़ किले पर अभी भी जो कोहरा है वो छाया हुआ है और सूर्य भगवान ने दर्शन नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर नंदनी बात करेंगे कि जोधपुर रेलवे प्रशासन ने 100 से अधिक ट्रेनों पर जो फोक सेफ्टी डिवाइस लगाया, कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन भी जो कोहरे को लेकर सतर्क है। तो दूसरी ओर बात करें धरती पुत्र जो किसान है उनके लिए भी कुछ खबरी है, जो मावठ हुआ है उनके लिए जो रबी की फसल है वह भी अच्छी फसल पैदावार हो रही है। तो दूसरी ओर जो मौसमी बीमारियां हैं उन्होंने भी जोधपुर में पैर पसार रखा है। जी बिल्कुल, ठंड के इस मौसम में जो मौसमी बीमारी जैसे कोल्ड एंड कफ, इसके पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस ठंड से बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यूनिटी को अपना स्ट्रांग रखिए। और इसी के साथ ही माउंट आबू जहां पर पारा नेगेटिव तक पहुंच गया, और अभी चूंकि जयपुर जोधपुर यहां पर इतनी ठंड है तो माउंट आबू में तो ठंड का जो सितम होगा वो और भी ज़्यादा होगा। मगन हमें बता रहे हैं, मगन माउंट आबू में मौसम का मिजाज। जी बिल्कुल नंदी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मौसम ने यहाँ पर कल जो विभाग ने, मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया था मेघ गर्जने के साथ बारिश और ओलावृष्टि की, उसके बाद यहाँ पर कल से ही नंदनी मौसम का जो मिजाज है बदला सा नज़र आ रहा है। कल से यहाँ पर तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है और आम जनजीवन पर भी खासा प्रभाव पड़ा है। अगर माउंट आबू के तापमान की बात की जाए तो माउंट आबू में तापमान जो है आज माउंट जमा बिंदु पर है, और कहीं ना कहीं जो कड़ाके की सर्दी है वो लोगों को यहाँ परेशान करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ठंडी हवाएँ हैं जो चल रही है उससे आम जीवन पर खासा यहाँ है प्रभाव पड़ा है। और लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है ठंड है वो यहाँ पर बढ़ेगी, जिससे लोगों को यहाँ पर नंदनी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग अलाव और जो गर्म कपड़े हैं पहने हुए नजर आते हैं, तो लोग कहीं अभी भी जो स्थानीय लोग हैं घरों में दुबके हुए हैं नजर आ रहे हैं। साथ ही माउंट आबू में घूमने आने वाला पर्यटक इस सर्दी के बीच जो है होटलों में दुबका हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले दिनों कई इलाकों में बारिश कल भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड का जो असर है वो और ज्यादा बढ़ा है। कई इलाकों में बारिश हुई तो राजधानी से लेकर राजस्थान के कई इलाकों में इस समय पारा जो है काफी गिर गया है। 5 से 6 डिग्री तक पारा जयपुर में दर्ज किया गया है, और माउंट आबू में भी ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। आज सुबह से ही विजिबिलिटी बहुत कम रही, कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है।